वर्तमान में बिग डी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह आए दिन अपनी पोती आराध्या के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब अमिताभ नहीं चाहते थे कि उनके बेटे अभिषेक की शादी ऐश्वर्या राय से हो। जी हाँ, शादी के लिए ऐश्वर्या अमिताभ की पहली पसंद नहीं थी। वह ऐश्वर्या को नहीं बल्कि किसी और को बच्चन परिवार की बहू बनाना चाहते थे। बता दें कि ऐश्वर्या राय से पहले अभिषेक की शादी करिश्मा कपूर से तय हुई थी। यहां तक कि अभिषेक और करिश्मा की सगाई भी चुकी थी, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच सकी। दोनों की सगाई टूट गई। हालांकि सगाई टूटने की वजह अब तक लोगों को नहीं पता, लेकिन खबरों की माने तो यह सगाई करिश्मा की मां बबीता की वजह से टूटी थी। यह सगाई टूटने के बाद अमिताभ बच्चन चाहते थे कि अभिषेक की शादी अभिनेत्री रानी मुखर्जी से हो, लेकिन जया बच्चन को रानी और अभिषेक का ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वे नहीं चाहती थी कि रानी बच्चन परिवार की बहू बने। दरअसल करिश्मा से शादी टूटने के बाद दोनों परिवार के बीच दूरियां काफी बढ़ गई थी। उन्होंने एक दूसरे से बात तक करना छोड़ दिया था। उसके बाद अमिताभ ने अभिषेक के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी ली। वे अभिषेक के लिए एक समझदार और सुलझी हुई लड़की चाहते थे। ऐसे में रानी उनकी पहली पसंद थी, लेकिन इस रिश्ते के लिए जया नहीं मानी। उनके अनुसार अभिषेक और रानी की हाइट मेल नहीं खाती थी, जिस वजह से उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। बाद में अभिषेक को ऐश्वर्या पसंद आ गई और साल 2007 में दोनों ने शादी कर ली। आज ये कपल बॉलीवुड का आइडियल कपल माना जाता है। शादी के इतने सालों बाद भी दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। वे अपनी बेटी आराध्या के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं।